नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने कन्या लग्न के लिए बुध प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक क्या फलित देंगे, फलित कैसे देंगे, उसके तरीके को समझा है। इस कार्यक्रम में हम नवम भाव और दशम भाव के लिए बुध क्या फलित देंगे कन्या लग्न के लिए, इसे समझेंगे। शुरू करते हैं नवम भाव से। किसी भी ग्रह का फलित देखने के लिए हमने जो रास्ता तय किया है उसी रास्ते से जाएंगे, यानी पहले कारकत्व से फलित जानेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से जानेंगे, उसके बाद भावेशत्व से जानेंगे और सबसे बाद दृष्टियोग से जानेंगे। कारकत्व से अगर इस बुध का फल देखना है नवम भाव के, तो इसका बल पहले देखना होगा, यानी इसका बल राशि बल से भी जानना होगा और भाव बल से भी, और उसके बाद उसके कारकत्व से जो फलित मिलने वाले हैं उनका सटीक अंदाजा लगाना होगा। तो कैसे करेंगे, बुध की राशि पहले देखें। यहां पे दो आंकड़ा है, यानी ये शुक्र की राशि है, वृषभ राशि। शुक्र में और बुध में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध इसके मित्र की राशि में है। मित्र की राशि में होने के कारण बुध को राशि बल अच्छा है। अब राशि बल अच्छा है, अगर भाव बल का विचार करें तो नवम भाव में बुध बैठे हैं, नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, और ये कौन भावों में से आता है, ये शुभ भाव है, इस कारण बुध को भाव बल भी अच्छा है। अब भाव बल अच्छा है, राशि बल अच्छा है, इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इन सभी के मामले में शुभ फलित प्राप्त होंगे। यानी बुध बुद्धि का कारक है, ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा क्योंकि शुभ फलित मिल रहा है, शुभ फलित से हम कारकत्व को जोड़ रहे हैं। बुध वाणी का कारक है, इसकी वाणी अच्छी होगी, प्रभावी होगी, तर्कपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण होगी, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है, तथा बुध वाणी का, वाणिज्य का, व्यापार का कारक है, तो ये वाणिज्य में अच्छा होगा, यानी लेन देन के मामले में अच्छा होगा, व्यापार की बुद्धि इसके पास अच्छी होगी, तथा गणित के कारक बुध होने के कारण इसका गणित विषय अच्छा होगा, गणित के मामले में यह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। तर्क के कारक है, तर्क के मामले में, तर्क बुद्धि के मामले में, लॉजिकल थिंकिंग के मामले में व्यक्ति अच्छी होगी। और क्या बात पता चलती है, तो लेखन के कारक है बुध, इस कारण लेखन की शैली और हस्ताक्षर दोनों इस व्यक्ति के अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। अभिव्यक्ति के कारक है, अभिव्यक्ति के कारक यानी जो विचार है व्यक्ति के उसे औरों के सामने रख पाना, इसे अभिव्यक्ति कहते हैं, चाहे लेखन से हो चाहे वाणी से हो, तो इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की कला भी अच्छी होगी, क्योंकि बुध यहां पर शुभ फलित दे रहे हैं, हम शुभ फलित को कारकत्व के साथ जोड़ रहे। अब ये तो देखा कारकत्व से क्या फलित मिलेंगे उनके बारे में। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है, बुध नवम भाव में बैठे हैं, भाव स्थिति से फलित पता करने के लिए प्रथम राशि देखना जरूरी है। तो नवम भाव में दो आंकड़ा है, यानी वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, इस कारण नवम भाव में शुक्र की राशि होने के कारण नवम भाव के स्वामी शुक्र हुए। शुक्र के बुध के साथ मित्रत्व के संबंध है और बुध आकर बैठ गए हैं नवम भाव में, यानी शुक्र के घर में, तो शुक्र मित्र के घर में बुध होने के कारण ये यहां पर शुभ फलित देंगे। ये जान लिया, तर्क से जान लिया कि ये फलित कैसे देंगे, शुभ देंगे या अशुभ देंगे। हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये सभी बातें समझ रहे हैं, कोई क्लिष्टता नहीं रखी है इसमें। तो यहां पर बुध शुभ फलित देंगे, क्या देंगे, भाव स्थिति से क्या शुभ फलित देंगे, तो ये भाग्य के मामले में, क्योंकि नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, तो भाग्य के मामले में शुभ फलित दे रहे तो इसका भाग्य अच्छा होगा, भाग्य से मिलने वाला सामाजिक दर्जा यहां से देखा जाता है तो इसका सामाजिक दर्जा अच्छा होगा, क्योंकि बुध शुभ फलित दे रहे, यहां से धार्मिकता देखी जाती है नवम भाव से, और बुध स्वयं भक्ति के कारक ग्रह है, यहां पर शुभ फल दे रहे इस कारण ये व्यक्ति धार्मिक होगी। और क्या क्या पता चलता है, भाग्यवान होगी। अब ये तो जान लिया किन मामलों में शुभ फलित मिलेंगे, लेकिन क्या क्या फलित मिलेंगे ये जानते हैं। बुध यहां पे भाग्य के स्थान पर है, तो भाग्य इसका अच्छा होगा किस मामले में होगा, उसको बुध के साथ जोड़ दो। बुध के मामले में यानी ये व्यक्ति बुद्धिमान होगी, इसकी वाणी अच्छी होगी, जो कारकत्व से देखा वही वाणिज्य लेन देन के मामले में, व्यापार के मामले में व्यक्ति अच्छी होगी, इसका भाग्य व्यापार में या वाणिज्य क्षेत्र में खुल सकता है, ये बात की ओर ये योग इंगित कर रहा है। और क्या बातें पता चलती है, यहां से सामाजिक दर्जा देखा जाता है, इसका सामाजिक दर्जा भी अच्छा होगा, देखा ही है हमने किस क्षेत्र में, तो ये व्यापारी हो सकती है, वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छी पोस्ट पर हो सकती है, बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी पोस्ट पर हो सकती है, तथा यहां से धार्मिकता देखी जाती है। बुध है यहां पे, बुध भक्ति के कारक ग्रह है, भक्ति के कारक ग्रह धार्मिकता के स्थान पर आकर बैठ गए और अच्छी बल है उनके पास, तो इस कारण ये जो व्यक्ति है ये भक्ति योग करने वाली होगी, यानी ईश्वर भक्त होगी, ये बात पता चलती है, धार्मिक तो होगी ईश्वर भक्त होगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से, भावेशत्व से क्या पता चलता है, बुध की जो दो स्वग्रह राशियां है, एक दशम भाव में है, एक प्रथम भाव में है, इस कारण बुध को दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और प्रथम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब दशम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठ गए, क्या फलित उत्पन्न करेंगे, दशम भाव से कर्म देखते हैं और नवम भाव से भाग्य, इसके इस व्यक्ति को जोड़ दो, कर्म को भाग्य से जोड़ दो, तो इस व्यक्ति को कर्म करने के लिए अच्छा स्टेज प्राप्त होगा,
या कर्म से अच्छे भाग्य की प्राप्ति होगी। दोनों बातें यहां से तर्क से देखी जा सकती है, दोनों सही है। यहां से कर्म का स्वामी आ गया नवम भाव में, नवम भाव से धार्मिकता देखी जाती है, तो कर्म का स्वामी धार्मिकता के स्थान पर, यानी ये व्यक्ति धर्म के लिए कर्म करेगा, धर्म कर्माधिप योग बन रहा है यहां पे, तो ये धर्म के लिए कुछ ना कुछ कर्म करेगा, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, यहां से पिता को देखा जाता है और यहां से भाग्य को, तो भाग्य उत्पत्ति करने के लिए पिता की मदद प्राप्त होगी या इसके पिता भी भाग्यवान होंगे, ये बात पता चलती है। यहां से अगर गिने आप दशम भाव से, दशम भाव को प्रथम मान के, तो ये व्यय भाव आता है, तो कर्म का स्वामी उसके व्यय में, यानी कर्म का व्यय, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रथम का भाग्य है, इसकी महत्ता तो है, लग्न से नवम भाव है, भाग्य स्थान है, इसकी महत्ता तो है, लेकिन जीवन के किसी पड़ाव पर इसे कर्म में, कर्म से तकलीफ हो सकती है या कर्म में बाधा आ सकती है, यह बात पता चलती है। यहां से बुध की दूसरी राशि प्रथम भाव में आती है, प्रथम भाव के स्वामी गए नवम भाव में, क्या बात पता चलती है, दोनों को जोड़ना मात्र है, प्रथम भाव से खुद को देखते हैं, व्यक्तिमत्व देखते हैं, नवम भाव से भाग्य, तो यह व्यक्ति खुद अपने बलबूते पर भाग्य को खींचकर लाएगी, यह बात पता चलती है, या ये खुद भाग्य के स्थान पर खुद को जोड़ दो भाग्य से, ये व्यक्ति खुद भाग्यशाली रहेगी, यह भी बात है। यहां से धार्मिकता देखी जाती है और खुद का स्वामी, व्यक्तिमत्व का स्वामी धार्मिकता के स्थान पर आ गया, यानी ये जो व्यक्ति है इसके व्यक्तिमत्व में ही धार्मिकता भरी रहेगी, ये बात पता चल रही है। और क्या क्या बातें, हम दोनों को जोड़ेंगे, अब कर्म का स्वामी, खुद का स्वामी और कर्म का स्वामी भाग्य के भाव में, तो ये व्यक्ति खुद के कर्मों से भाग्य को खींचकर लाएगी, हम बस जोड़ी लगा रहे हैं, भाव से जो देखा जाता है उसकी जोड़ी लगा रहे हैं, और उसके बाद ग्रह से जो देखा जाता है उसकी जोड़ी लगानी है। तो बुध से क्या देखा जाता है, तो व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र देखा जाता है, भक्ति देखी जाती है, तो भक्ति के क्षेत्र में भी, धार्मिकता के क्षेत्र में भी इसका भाग्योदय संभव है, तथा व्यापार वाणिज्य में भी इसका भाग्योदय संभव है, ये बात यहां पर पता चल रही है। अब ये तो हमने भावेशत्व से जान लिया क्या फलित मिलेगा, दृष्टि योग से क्या मिलेगा जानते हैं, नवम भाव में रहकर बुध तृतीय भाव को देख रहे हैं, तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, सबसे पहले राशि देखे तृतीय भाव की कौन सी है, यहां पे आठ आंकड़ा यानी मंगल की राशि है, मंगल में और बुध में समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण यहां पे ये मध्यम फलित देंगे, तृतीय भाव के लिए मध्यम फलित देंगे। यहां से पराक्रम देखते हैं, कर्तृत्व देखते हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये पराक्रमी होगी, कर्तृत्ववान होगी, तथा भाग्य भाव से बुध देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को अपने भाग्य से अच्छा स्टेज मिलेगा, इस कारण ये अच्छा पराक्रम या अच्छा कर्तृत्व दिखा पाएंगे, ये बात पता चलती है। यहां से भाई बहनों का सौख्य देखते हैं, भाग्य के स्थान में रहकर ये भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, तो क्या बात पता चलती है, तो इसको अच्छा भाई बहनों का सौख्य जो है ये अच्छा प्राप्त होगा। यहां से अगर गिने आप नवम भाव से, तो ये सप्तम भाव आता है, सप्तम भाव भागीदारी का भाव होता है, और भाग्य स्थान में रहकर छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके छोटे भाई बहन इसके भाग्य में भागीदार होंगे, यह बात पता चलती है। शायद पैतृक संपत्ति में हिस्से के बंटवारे में ये भागीदार होंगे, इस बात की ओर ये योग इंगित कर रहा है। यहां से तृतीय भाव से छोटी यात्राएं देखी जाती है, नवम भाव से धार्मिकता, तो धार्मिकता के स्थान पर बैठकर भक्ति का कारक बुध छोटी यात्राओं के स्थान को देख रहा है, इस तर्क से चले तो ये व्यक्ति धार्मिक होगा और धार्मिक यात्राएं करेगा, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जो पता की जा सकती है, हमने अभी कारकत्व, भाव स्थिति, भाविष्यत्व और दृष्टियोग चारों से जान लिया है, आगे के भाव की ओर चलते हैं। अगर बुध दशम भाव में बैठ गए तो क्या फलित देंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे, पहले कारकत्व से जानेंगे, कारकत्व से जानने के लिए हमें बुध का बल पता होना जरूरी है, पहले राशि बल देखेंगे उसके बाद भाव बल देखेंगे। तो यहां पे दशम भाव में राशि तीन आंकड़ा है, यानी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी है बुध, यानी बुध खुद की ही राशि में आ गए हैं, इस कारण इनको राशि बल अच्छा प्राप्त है। अब बुध को राशि बल है, अब भाव बल की अगर बात करें तो दशम भाव में है, दशम भाव केंद्र भावों में से आता है, कर्म भाव है, ये कर्म भाव होने के कारण बुध के जो गुण है व्यापार वाणिज्य, ये गुण प्रदर्शित करने के लिए बुध को यहां पर पोषक वातावरण मिलता है, इस कारण बुध को भाव बल है। अब भाव बल है, राशि बल भी अच्छा है, इस कारण इसके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में श्रेष्ठ फलित प्राप्त होंगे, यानी ये व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, इसकी वाणी अच्छी रहेगी और प्रभावी रहेगी, बुद्धिमत्ता पूर्ण रहेगी, क्योंकि बुध वाणी के स्वामी है, तथा वाणिज्य व्यापार इनके मामले में ही भी ये व्यक्ति अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध वाणिज्य व्यापार के कारक है, गणित विषय इसका अच्छा रहेगा, इसकी तर्क बुद्धि अच्छी रहेगी, लेखन यानी लेखन की शैली भी और
हस्ताक्षर भी इसका अच्छा रहेगा। अभिव्यक्ति के मामले में ये व्यक्ति अच्छी रहेगी। अभिव्यक्ति यानी खुद के विचार औरों के सामने रख पाना, चाहे वाणी से हो चाहे लेखन से, इन दोनों के मामले में ये व्यक्ति अच्छी रहेगी, ये बात यहां पे पता चलती है। ज्योतिष के कारक भी है बुध तथा भक्ति के कारक भी है, इनके मामले में भी ये बुध श्रेष्ठतम फल देंगे। इस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान होगा, ज्योतिष में ये व्यक्ति रुचि रखेगी, ये बात पता चलती है। ईश्वर भक्त होगी या ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली होगी, ये बात यहां से पता चलती है। अब ये फलित तो हमने कारकत्व से ही जान लिए, अब भाव स्थिति से जानते हैं। बुध दशम भाव में बैठ गए हैं तो क्या फलित देंगे, सबसे पहले राशि देखना है। तो दशम भाव ने हमने देखा ही है मिथुन राशि है, ये बुध की ही राशि है, यानी दशम भाव के स्वामी स्वयं बुध ही हुए और बुध वहीं पर आकर बैठ गए, यानी बुध खुद के स्थान पर, खुद के भाव पर, यानी खुद के घर में आकर बैठ गए। इस कारण इस घर के लिए, इस भाव के लिए ये शुभ फल प्रदाता होंगे। अब ये तो जान लिया पहले कि फलित कैसे देंगे, शुभ देंगे। तो भाव से क्या जाना जाता है, तो कर्म जाना जाता है, पिता का सौख्य यहां से जाना जाता है। तो ये जो व्यक्ति है ये कर्मों के मामले में अच्छी होगी क्योंकि बुध शुभ फल दे रहे तथा इसको पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, ये बात पता चलती है क्योंकि बुध शुभ फल दे रहा है। अभी तो बस हमने शुभ फल दे रहे इसी से भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ दिया है। अब आगे हम भाव से जो देखा जाता है उसे ग्रह से भी जोड़ेंगे। तो भाव से कर्म देखा जाता है, शुभ फल दे रहे, पता है अच्छे कर्म करेगी ये व्यक्ति, किस क्षेत्र में तो जोड़ दो ग्रह से। बुध से अगर जोड़ा तो बुध वाणिज्य के कारक है, व्यापार के कारक है, तो ये व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में अच्छे कर्म करेगी, ये बात पता चलती है। तथा बुध भक्ति के कारक भी है और ये कर्मस्थान में है, तो कर्मस्थान में भक्ति के कारक ग्रह बैठ गए तो ये व्यक्ति ईश्वर भक्त भी होगी, ये बात पता चलती है। यहां से पिता का सौख्य देखा जाता है और वहां पर बुध शुभ फल दे रहे हैं, हमने देखा ही है कि इसे पिता का सौख्य अच्छा मिलेगा। पिता का स्वभाव यहां से देखा जाता है, बुध यहां पर बैठे हैं तो इसके पिता का स्वभाव बुध के कारकत्व जैसा होगा, यानी बुद्धिमान होगा, उनकी वाणी प्रभावी होगी, लेन देन में वो अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। उनकी अभिव्यक्ति की कला, लेखन कौशल्य, हस्ताक्षर, ये सब भी अच्छे होंगे, ये भी बातें पता चलती है। अब ये तो जाना हमने भाव स्थिति से, भावेशत्व से क्या पता चलता है, बुध दशम भाव के ही स्वामी है और वही बैठ गए, हमने फलित देखे है। बुध की जो दूसरी राशि है ये प्रथम भाव में आती है। अब प्रथम भाव के स्वामी दशम भाव में आ गए, क्या बात पता चलती है, तो प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व यानी खुद को देखा जाता है और दशम भाव से कर्म, तो ये व्यक्ति खुद के बलबूते पर कर्म करेगी, ये बात पता चलती है। यहां से प्रथम भाव से खुद का स्वभाव देखते हैं, दशम भाव से पिता का स्वभाव, तो खुद के स्वभाव का स्वामी पिता के स्वभाव के स्थान पर आकर बैठ गया। इसका अगर तर्क लगाए तो इस जातक में और इसके पिता में तालमेल अच्छा रहेगा, दोनों के स्वभाव एक जैसे होंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, इस कारण इनके संबंध अच्छे रहेंगे, इसको पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, यह बात पता चलती है। और क्या क्या बातें पता चलती है, अगर दशम भाव को आप प्रथम मानकर गिने तो यह प्रथम भाव चतुर्थ आता है, दशम का चतुर्थ आता है, और चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन आदि देखे जाते हैं तथा माता का सौख्य देखा जाता है और यहां से कर्म, तो यह व्यक्ति इस क्षेत्र में व्यापार कर रही होगी, ये बात पता चलती है भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में, क्योंकि दशम का चतुर्थ है। हाँ, और एक बात है कि यहां से देखे जाने वाले जो फल है, दशम से आप गिनते हो तो ये परमानेंट नहीं होते, बहुत दीर्घकाल तक नहीं होते, लग्न से जो देखे जाते हैं उसे दीर्घकालता प्राप्त होती है, इस कारण इसके जीवन में इसे घर भूमि भवन वाहन के व्यापार से कभी ना कभी फायदा होगा, ये बात पता चलती है। ये इसी में काम करेगा जीवन भर, ये बात नहीं, इसे जीवन में कभी ना कभी भूमि भवन वाहन के व्यापार से फायदा होगा, इसके ओर यह इंगित हो रहा है। यहां से चतुर्थ भाव से सुख भी देखते हैं, सौख्य भी देखते हैं, और यहां से पिता का स्थान देखते हैं, पिता खुद यहां पर है और सुख यहां पर है और ये लग्न का प्रथम स्थान है, इस कारण इस जातक से इसके पिता को सुख की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। कई सारे तर्क हम लगा सकते हैं और वो सटीक भी होते हैं, अनुमान लगाकर उसकी सटीकता जाननी जरूरी है, आप अनुभव ले सकते हैं। यहां पर बैठे बुध दशम भाव में बैठे बुध चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे, तो क्या पता चलता है दृष्टि भाव और दृष्टि बल से। यहां पर राशि देखें, नौ आंकड़ा है, धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरु है, गुरु के बुध के साथ ना शत्रुत्व के संबंध है ना मित्रत्व के, यानी सम है, इस कारण चतुर्थ भाव के लिए मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे, ये बात तो जान लिया कि ये मध्यम फलित दे रहे, क्या फलित दे रहे हैं, जोड़ दो दशम भाव से देख रहे हैं बुध चतुर्थ भाव को, कर्म भाव से चतुर्थ भाव, तो कर्म को और चतुर्थ से देखे जाने में भूमि भवन वाहन को जोड़ दो, तो यह व्यक्ति भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में कर्म कर रही होगी, क्या कर्म, तो उसके साथ बुध को जोड़ दो, बुध व्यापार का कारक है, इस कारण यह व्यापार कर रही होगी, यह बात पता चलती है। या वाणिज्य के क्षेत्र में भी हुई तो होम लोन अलॉट करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं यह भी हो सकता है। यहां का जो बुध है ये इसको बल प्राप्त है, गवर्नमेंट में भी ये बैंकिंग में
ऊंचे अधिकार के पोस्ट पर हो सकता है। यह व्यक्ति ज्योतिष का अच्छा नॉलेज रखेगी क्योंकि ज्योतिष के कारक बुध है और कर्म के स्थान पर आकर बैठे हैं। इस कारण औरों को सलाह देना, कंसल्टेंसी, ज्योतिष, ये कर्म भी ये व्यक्ति करेगी, ये बात पता चलती है। यहां से माता का सौख्य देखते हैं, यहां से पिता का सौख्य, पिता के स्थान पर बैठकर माता के स्थान को बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस कारण पिता और माता दोनों के स्वभाव में बुध के गुण रहेंगे, यानी दोनों बुद्धिमान होंगे, दोनों की वाणी अच्छी होगी तथा दोनों की अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होगी और दोनों में तालमेल अच्छा रहेगा, इस कारण दोनों में संबंध अच्छे होंगे, ये बात यहां पर पता चलती है। कई सारी बातें सटीकता से हम जान सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम एकादश और द्वादश भाव के लिए जानेंगे। इस कार्यक्रम में हमने दोनों स्थानों के लिए कारकत्व, भावस्थिति, भावेशत्व और दृष्टियोग चारों बातों से फलित जाने हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।